लेजेंड लीग क्रिकेट का आज फाइनल मैच था मणिपाल टाइगर और अर्बनाइज हैदराबाद के बीच। तो इस मैच को मणिपाल टाइगर ने जीतकर लेजेंड लीग का पहली बार खिताब जीते। तो मैच खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में किसको क्या अवार्ड मिला उसी के बारे में बताएंगे और कप्तानों ने क्या कहा। तो दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी में प्लेयर ऑफ द अवार्ड दिया गया गुरुनो रत्ने को, जिन्होंने इस मैच में सबसे अच्छा पारी खेली, इसी वजह से उनको प्लेयर ऑफ द मैच के थ्रू एक ट्रॉफी दिया गया। नेक्स्ट अवार्ड आता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। लेजेंड लीग के भी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने तिसारा पेरेरा, जिन्होंने ऑलराउंड परफॉर्मेंस के वजह से उनको अवार्ड मिला, उनको ट्रॉफी दिया गया। तो काफ़ी ज़्यादा खुश दिखे तिसारा पेरेरा। और हरभजन सिंह को ट्रॉफी दिया गया हाथ पैर, और हरभजन सिंह सेलिब्रेशन मनाया ट्रॉफी लेकर। हरभजन सिंह ट्रॉफी ले जाकर सीधा अपने जो खिलाड़ी थे प्रवीण कुमार मोहम्मद के उनके हाथ में दे दिया और सेलिब्रेशन करने लगे हरभजन सिंह और उनके टीम। और सुरेश रैना काफ़ी ज़्यादा इमोशनल दिखे प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें।